अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बात है सच और मैं हूं आपका सज्जन आपका बेली नमान चौहान। नाज़रीन, आवाम बिलबुला उठे हैं। वजह क्या है कि चीनी का रेट आसमानों पर जा पहुंचा, आवाम चीखे मार रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं चीनी का रेट क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर क्या हालात हैं आपके? हालात आपके सामने देखें, हालात आपके सामने देखें कि महंगाई के किस तौर हो गया कि लोग खुदकुशी पर मजबूर हो गए। हर रोज आना को सुबह का रेट और होता है, शाम को और होता है। आदमी क्या करे क्या नहीं, छोटी सी तनहादार आदमी जिसका मकान किराए का हो, बच्चे हो, क्या करे? खुदकुशी ना करे तो और क्या है? हुकूमत इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही। हमें IMF के हवाले किया हुआ है, कभी उसके हवाले किया हुआ है, जो भी आ रहा है अपने घर भर रहा है। तो गरीब आदमी का सोचें कि ऊपर से बिलों का देखें आप, उन्होंने जान खाई हुई है। आदमी अभी एक छोटी एक पेंशनर आदमी जिसकी 18,000 या 20,000 पेंशनर है, वो बताइए क्या करे? ये बताएं आज चीनी का रेट क्या है? आज चीनी का बताइए 180 रुपए दे दें। 180 रुपए किलो? तो फिर क्या आप चीनी खाना छोड़ दी? अब क्या करें, क्या सब कुछ खाने छोड़ दें? फिर क्या कुछ तो खाना पेट भरने के लिए, वो भी जरूरी आती जिंदगी है। अब छोड़ देते, अगर सारी दुनिया छोड़ दे तो फिर आ जाएगी 10 रुपए किलो पे आ जाएगी। देखियो अब मैं छोड़ दूंगा और कोई नहीं खाएगा, मेरी जगह कोई और ले लेगा। लेकिन ये तो है, जब यह हो ना आदमी एक चीज़ को, यूरोप में आप चले जाए एक चीज़ 5 पैसे बढ़ती है, लोग बाइकॉट करते हैं, सुबह रेट उसी पर आ जाता है। तो हमारे में यकजहती नहीं है, तो क्या करें हम? आप क्या करते हो? हम चाहते हैं महंगाई नीचे आए। आप क्या करते हैं? मैं पेंशनर हूँ। रिटायर्ड? आप मुझे बताएं मैं क्या करूँ? चीनी का रेट बहुत ज़्यादा हो गया है, 180 रुपये की किलो दे रहे हैं और इतनी महंगाई में हम लोग बड़ी मुश्किल से अफोर्ड कर रहे हैं। मेरी तनख्वाह जो है ना 12,000 है, मैं कैनवस बोर्ड बनाता हूँ, यकीन करें बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। चीनी के अलावा और भी एशियात बहुत महंगी हो गई हैं सारी, तो हमारा मुश्किल हो गया जीना, यकीन करें। उधार ले लेके अपना गुजारा कर रहे हैं, तो अल्लाह पाक इनको हदायत दे हुक्मरानों को, जो हमारा ख्याल करें थोड़ा सा। बिजली के बिल महंगे हो गए, बताएँ हम लोग कहाँ जाएँ, किसके पास फरियाद ले कर जाएँ अपनी? वोट किसे दिया था आपने जी? वोट किसे दिया था? वोट सर मैंने नून लीग को दिया था। अब किसको देना है? अब किसी को भी नहीं देना ही नहीं है सर, वोट तो फायदा ही कोई नहीं देने का। कोई हमारे हालात अच्छे होंगे तो हम किसी को वोट डालेंगे ना। अच्छा चीनी होगी महंगी, आपने खानी छोड़ दी या कम कर दी है? सर हमने बस बहुत कम कर दी है, मजबूरी पे बस थोड़ी बहुत यूज़ कर लेते हैं, वरना कोई चक्कर नहीं। अगर सारी कम चीनी का बाइटकार 3 दिन के लिए, रेट नीचे ना आ जाए? सर ऐसा हो तो सकता, लेकिन सारी वाम कटी हो गए एका कटे तो फिर हो सकता है। आप तो कर सकते हो ना सर, मेरे अकेले से तो कुछ भी नहीं होगा, इब्तदा तो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, कोशिश करोगे ना? मैं राशन लेने आया हूँ, यकीन करें अभी तक मैंने चीनी डलवाई भी नहीं है, लेने का हिम्मत ही नहीं है भाई जान। इतनी अखराजात नहीं है हमारे, हम लोग तनख्वाहदार बंदे हैं, या खुद खाएँ या फिर जो अपना घर का बच्चों के फीस भरें या खाएँ या बिल भरें, मुश्किल हो रहा बहुत ज़्यादा। हर शख्स की एक अलग ही दास्तान है, दुख भरी दास्तान। अंदर से अब तो दिल रो रहा है, यकीन करें ऐसा ऐसा ऐसे हुक्मरान लोग बैठे हुए हैं ऊपर, किसी का ख्याल ही नहीं कर रहे यार ये लोग, मारने तुले में हर बंदे को। अल्लाह पाक इनको हदायत दे, बस यही मेरी दुआ है। फिर चीनी की शॉर्टेज हो गई है? हाँ जी, इस वजह चीनी महंगी हो गई है। इन्होंने शॉर्टेज तो नहीं है अभी, चीनी तो मेरी यार, जितनी मर्जी लेना चीनी तो मिल रही है। चीनी पीछे से महंगी मिल रही है, कितने की बोरी मिल रही है? ये तकरीबन 9,000 रुपये का थोड़ा मिल रहा है। उसमें कितने केजी होती है? 50 केजी। तो कैरेट पड़ रही है आपको? 180 रुपये। 180 रुपये आपको होलसेल में आप परचेज कर रहे हो और बेच कितने की रहे हो? 185 रुपये। इसका मतलब है कि ये माफिया जो बैठा हुआ है, जो पीछे चीनी है चीनी, वो कह रहे हैं कि चीनी शॉर्ट नहीं है, इन्होंने चीनी को महंगा किया हुआ है, एक मसनूई बहरान पैदा करके कौम का बेड़ा गर्क किया हुआ है, आवाम की जेबों को ये खाली कर रहे हैं, लूट रहे हैं पूरी कौम को। मैंने कहा मकान किराए का है, बिल इतने इतने, हर चीज़ महंगी है, क्या करें हम बहुत परेशान हैं। चीनी क्या रेट जा रही है? चीनी 180। तो खाना छोड़ दिया आपने? बस खाते हैं, थोड़ी खाते हैं, क्या करें? तो छोड़ दो ना, छोड़ो, महंगी हो गई है ना? नहीं छोड़ा जाता ना। आवाम छोड़ेगी सस्ती हो जाएगी जी? क्या छोड़ेगी आवाम, आवाम ने हमें ही मार के रख दिया। सही बात है, हमें ही मार दिया आवाम ने तो। वोट किसे दिया था? वोट नवाज शरीफ को। अब किसे वोट देना है? देखो अब जो भी आएगा वही लेगा, अब तो किसी को इरादा ही नहीं है देने का, कोई रोटी नहीं डलवाता, कोई आटा नहीं देता हमें, लोगों के इतने इतने पैसे आ रहे हैं बेनज़ीर के, हमारे तो वो भी नहीं आते, जो बेवा है उनके तो आने चाहिए। मेरे तो 2 बेटे फोत हुए हैं, मियाँ फोत हुए हैं, क्या करें हम खुद गरीब आदमी हैं। तो गुजारा घर में कैसे चलता है? नग लगा के गुजारा करती हूँ मैं। मजदूरी करती हैं? हाँ जी। बिल कितना आपका आया? बिल हमारा आया 11,500। कैसे अदा करोगी?
बस कर ही रहे, किसी ने सूद पे पैसे पकड़े, वो थोड़े थोड़े करके अदा करूंगी और क्या करूँ। पैसे सूद पर लिए जी, और क्या करूँ, क्या करें, कोई कमाने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्या करा जाए। अल्लाह रहम करे, अब आवाम इस हद तक मजबूर हो गए हैं कि अपने खाने पीने के लिए और बिलों की अदाई के लिए सूद पर पैसे उठा रहे हैं। अल्लाह हमारे हाल पर रहम करे। देखते रहिए बात है सर।